सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो दोस्तों, सर्दियों में गर्मा गर्म करारा सा नाश्ता मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ। आप इसे जब एक बार बनाएंगे ना, तो फिर आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। ये आपको इतनी पसंद आएगी। बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है ये नाश्ता और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस तरह से इन्हें मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो हमें आलू चाहिए ना, वो बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कंटिन्यू इस तरह से चम्मच से मिक्स और मैश कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जो आलू के चंक्स हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आलू जो है हमारे बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसा हमें चाहिए। तो 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छी तरह से बढ़िया से मिक्स कर लें। उसके बाद आप देखिए, मैंने इसे कितना अच्छी तरह से स्मूथ करके रेडी कर लिया है। आलू के जो चंक्स हैं ना, वो इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने चाहिए। तो ये देखिए, मिक्स एंड मैश करते रहिए, 2 से 3 मिनट के अंदर ये परफेक्टली रेडी हो जाएंगे। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और अब हम बनाएंगे दोस्तों एक घोल, यानी कि स्लेरी। हम जो नाश्ता बनाएंगे उसके ऊपर उसकी कोटिंग करनी है हमें इसके लिए। तो एक मिक्सिंग बाउल में 1.5 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 1.5 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर मैदा का डाला है। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कोई भी एक चीज़ अवेलेबल है, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी घोल बना सकते हैं। चाहे तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर से बना लें, चाहे तो सिर्फ मैदा से बना लें। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये जो घोल बनाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा पतला घोल बना लेते हैं ना, तो उसकी जो कोटिंग है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। तो मीडियम तरह का आप यहाँ पर घोल बनाकर तैयार कीजिए। मैं आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, किस तरह की कंसिस्टेंसी का घोल हमने यहाँ पर बनाकर रेडी किया है। आप भी उसी तरह का बनाकर रेडी कीजिएगा। ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, बिल्कुल मीडियम तरह से ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। साथ ही दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है वाइट ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं, मैंने इसे रेडी कर लिया है। इसके जो कॉर्नर्स थे ना ब्राउन वाले, उन्हें मैंने कट कर लिया है और सभी ब्रेड को इस तरह रेडी कर लिया है। साथ ही जो ब्राउन वाले कॉर्नर्स हमने कट किए, उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, उनको मिक्सर जार में डालकर पीस देंगे और इस तरह से उसका क्रम्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है आज की रेसिपी में। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, प्रोसेस चीज़, शेदार चीज़, जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये वाइट ब्रेड स्लाइस ले ली थी ना, इसे हम इस तरह से बेल कर पतला कर देंगे और थोड़ा सा साइज़ में ये बड़ी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हमने जो आलू का स्मूथ मिक्सचर बनाया था ना, उसको थोड़ा सा लेंगे, हाथों में रोल करेंगे और इस तरह से कॉर्नर में रखेंगे। साथ ही हमने जो स्लेरी बनाई थी ना, वो इस तरह से एक कॉर्नर में हम लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जब हम इसे पैक करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल दी है चीज़, काफ़ी सारी चीज़ डालेंगे ताकि हमारा ये नाश्ता बहुत टेस्टी बने। अब हम इसे रोल कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से आप रोल करेंगे। देखिए, लास्ट में हमने घोल लगाया था तो ये चिपक जाएगा, और जो इसके कॉर्नर्स हैं, इसको हम हाथों से इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए सेट कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये सभी रोल्स आप बनाकर रेडी कर लीजिएगा। आज की रेसिपी में हमने जो आलू का मिक्सचर और चीज़ का कॉम्बिनेशन लिया है ना, वो बहुत ही कमाल का लगता है दोस्तों। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अब हमने यहाँ पर सभी पॉकेट्स को रेडी कर लिया। जो घोल हमने बनाया था उसमें हम इस तरह से इसे डिप करेंगे। ये देखिए, बढ़िया से घोल इसके ऊपर लग गया है। एक्स्ट्रा को निकाल देंगे हम इस तरह से, और उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी किए थे उसमें इसे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से जो ब्रेड क्रम्स हैं, चारों ओर कोट हो जाने चाहिए। जितने अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट होंगे ना, उतना बढ़िया सा करारा सा क्रिस्पी सा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स कोट हो गए हैं। सभी रोल्स को हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए, बहुत आसानी से हो जाता है और इस प्रोसेस को करने में मज़ा भी काफ़ी आता है। तो
तो ये परफेक्टली रेडी है और यहाँ पर मैंने सभी को इसी तरह से बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा पाउडर लग गया हो, क्रम्स लग गए हो, तो आप उन्हें डस्ट करके निकाल दें। ये देखिए सभी हमारे रेडी हो चुके हैं। जब तक हम ये नाश्ता बना रहे थे, दूसरी ओर कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा मीडियम गरम हो, उसी स्टेज पर हम अपने ये ब्रेड रोल्स इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल गरम ना हो, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना, तो ये जो ब्रेड पॉकेट्स हैं तेल में डालते ही अपना रंग चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखें, हमें इन्हें क्रिस्पी करना है, तो मीडियम गर्म हो उसी स्टेज पर आप इन्हें इसमें डालें और लो टू मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। आप देखेंगे ये जो है ना अच्छी तरह से फूल जाएंगे और साथ ही जो है इनका कलर है वो चेंज हो जाएगा। अंदर जो हमने चीज़ डाली है वो भी मेल्ट हो जाएगी और आलू के साथ बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हम अलटते पलटते हुए इसको बढ़िया से क्रिस्पी कर लेते हैं। दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप कितना अच्छे से इसका कलर चेंज हो रहा है और आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से गोल गोल भी लग रहे हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। तो बस जब आपको लगे कि ये बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो फिर हम इन्हें कढ़ाई में से बाहर निकाल देंगे। जब इसमें से बबल्स कम दिखाई देने लगें, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, फिर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएंगे।